नमस्कार किसान भाइयों, आपके अपने रोचक एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने के लिए आए हैं गन्ने में लगने वाले पीली पत्ती रोग के बारे में। तो हम बात कर रहे हैं कि गन्ने में जो पीली पत्ती रोग लग रहा है वो किसकी कमी या किसकी अधिकता से कारण लग रहा है, कि जो हम खाद या उर्वरक प्रयोग कर रहे हैं उसकी कमी या अधिकता से लग रहा है, या फिर कोई वातावरणीय प्रभावों के कारण या कीट या कुछ पतंगों के कारण लगा। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलेगी, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं तो अपने नए किसान भाइयों को शेयर करिए, जिससे ये जानकारी उनको भी प्राप्त हो सके। गर्मियों के दिनों में गन्ने की फसल में थ्रिप्स या पायरिला कीट का प्रकोप अधिक देखने को हमें मिलता है। ये कीट पत्तियों का रस चूसते हैं जिससे हमें पत्तियाँ पीली नजर आती हैं। ऐसे में हम किसान भाइयों को समय रहते ही इस कीट का नियंत्रण कर लेना चाहिए। अगर इस कीट का नियंत्रण नहीं करते हैं तो हमें अपनी फसल में से भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। बढ़ते तापमान के साथ साथ गन्ने की फसल में कई तरह के कीट लग जाते हैं, जिसमें से यह पायरिला कीट यानी थ्रिप्स कीट प्रमुख कीटों में से एक आता है, जो हमारी पत्तियों को पीला करके उसकी वृद्धि को रोकता है। इस कीट का प्रकोप अप्रैल महीने से अक्टूबर महीने तक देखने को हमारी फसल में मिलता रहता है। यह कीट अधिक नमी व अधिक तापमान में अधिक फैलता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इस कीट से हमें नियंत्रण कैसे पाना है और अपनी फसल को कैसे बचाना। गन्ने में पीली पत्ती रोग के लिए हमें यानी कि पायरिला वाहक कीट के नियंत्रण के लिए मेलाथियान 0.1% या डाइमैक्रोन 0.2% का प्रयोग करके हम पायरिला कीट का नियंत्रण पा सकते हैं। मिट्टी में कार्बोफ्लोरान यानी कि फ्यूराडान 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से या फिर फोरेट 6 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से हम मिट्टी में प्रयोग कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हमें सूखी पत्ती को समय समय से नष्ट करते रहना चाहिए। पत्तियों तोड़ने के दौरान अक्टूबर और सितंबर के महीनों में 1.5 किलोग्राम प्रति दर से मेलाथियान का प्रयोग करना चाहिए। मेलाथियान के छिड़काव से हम पीली पत्ती रोग का नियंत्रण जल्द से जल्द पा सकते हैं, और जो मेलाथियान का हम प्रयोग कर रहे हैं उसका मासिक अंतराल के दौरान 2 बार छिड़काव करना आवश्यक रहता है। अगर आपके आसपास कीटनाशक दुकान पर इमिडाक्लोरोपिड मिल जाती है तो उसका अगर प्रयोग करते हैं, उससे भी हमें पीली पत्ती रोग कीट से यानी थ्रिप्स कीट से नियंत्रण बहुत जल्द मिल सकता है। अगर छिड़काव करते वक्त 12 घंटे से पहले अगर बारिश हो जाती है तो हमें छिड़काव दोबारा कर सकते हैं, जिससे हमें बहुत जल्द अपने खेत में लगे पीली पत्ती रोग का नियंत्रण देखने के लिए मिल सकता है। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक किसानों को शेयर करिएगा।